पढ़ाई के समय हमने लाइब्रेरी देखा नहीं था कि लाइब्रेरी क्या होता है। हमने बस पढ़ा था पुस्तकालय, जहाँ पुस्तकों का घर है, उसके अलावा कुछ नहीं। टेंथ में मैं गया तो मैंने वहाँ एक रूम देखा, कमरा देखा, जिसमें केवल पुस्तकालय लिखा था, उसके अलावा उसमें ना खिड़की थी और ना दरवाजा था। हम लोग बस पुस्तकालय का संधि विच्छेद करते थे, उसके अलावा कुछ नहीं। কাৰণেহে মই মোৰ নিজকে আৱিষ্কাৰ কৰিছোঁ বুলি মই ভাবোঁ। কাৰণ কেতিয়াও সপোনতো ভবা নাছিলোঁ যে এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা এটা কাম কৰিম, কিন্তু মনত এইটোও ধাৰণা আছিল যেতিয়া মই ক্লাছ ছিক্স ছেভেন মানত তত্ত্বচান কিতাপখন পঢ়িছিলোঁ। সেই কিতাপখনৰ পৰা তেতিয়া মনলৈ আহিছিল যে আমি যদি এনেকুৱা এটা কৰিব পাৰোঁ, এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পালোহেঁতেন য'ত চব ফ্ৰী, কোনো ধৰণৰ থকা বাধা নাই, কোনো ধৰণৰ বাধা দিওঁতে কোনো নাই, আমি নিজৰ ইচ্ছামতে নিজৰ আৰামে আমি কিবা কৰিব পাৰিলোঁ হয়। গতিকে সেয়ে ভাবোঁ সেই ধাৰণাটো পুনৰ ইয়ালৈ অহাৰ পিছতহে আচলতে জাগি উঠিছে, আৰু সেয়ে মোৰ খুব ভাল লাগিছে। আৰু ইয়াত থাকিলেই মই খুব ফুলফিল, খুব কমপ্লিট যেন অনুভৱ কৰোঁ নিজকে। গতিকে এইটোৱে মই ভাবোঁ বহুত ডাঙৰ কথা, নিজকে আৱিষ্কাৰ কৰাটো আৰু নিজৰ ভাল লগা কামটো কৰিবলৈ পায়। लाइब्रेरी आने से बहुत ही सारे मेरे में बदलाव है, क्योंकि मैं कभी किसी से बात ही नहीं करता था। मुझे बात करने में किसी से अच्छा लगता था। पहले मैं किसी के साथ नहीं खेलता था, नहीं किसी के साथ रहता था। जब से लाइब्रेरी में आया, कोई और बच्चे को किसी से बात करते हुए, किसी के साथ रहते हुए, कभी कोई खेलते हुए, यहाँ पर सब पढ़ते भी हैं और थोड़ा थोड़ी मस्ती भी करते हैं। तो मैंने भी ये सब देख देख कर मेरे अंदर उत्सुकता हुई, फिर मैंने भी सबसे बात करना स्टार्ट कर दिया और सभी के साथ रहना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि पहले मुझे जिम्मेदारियाँ अच्छी लगती थी, मुझे जिम्मेदारी से बस भागना अच्छा लगता था, मैं कभी जिम्मेदारियाँ निभा नहीं सकता था। पर जैसे जैसे मैं लाइब्रेरी में आया, मुझे जिम्मेदारियाँ दी गई, मैंने उनको निभाना सीखा, और वैसे वैसे मेरे जिम्मेदारी निभाने ना निभाने का डर दूर हुआ। अगर मैं स्टूडेंट काउंसिल का बोलूँ कि अब मैं स्टूडेंट काउंसिल बन चुकी हूँ, तो मेरे पे कॉन्फिडेंस आया है कि बच्चों से मैं बात कर सकती हूँ। अपनी एज के बच्चों से भी मैं झिझकती नहीं हूँ बढ़ने से, या अडल्ट भी अगर कोई आता है लाइब्रेरी में बुक इशू करने, मैं डरती नहीं हूँ कुछ बोलने से, उन्हें बोल सकती हूँ कि हाँ आप आइए। पुस्तकालय का सबसे बड़ा श्रेय जाता है कि जो तर्क करने की क्षमता है, जो नजरिया है। क्योंकि पहले का अगर देखें, जो हमने पढ़ा था एक नजरिया था, कोई जो कह दिया उनके बातों को मान लेना। लेकिन जब से पुस्तकालय में हम लोगों ने गया, लोगों से, बच्चों से बात किया, तो हर एक आदमी का, हर एक चीज़ का नज़रिया अलग अलग होता है देखने का। तो एक सबसे बड़ा मेरे जीवन में श्रेय हुआ कि नज़रिया बदला, कि एक ही नज़रिया से ना देखें किसी भी कार्य को या अपने आप को, हर एक नज़र से देखें कि कैसे हम कर सकते हैं। पहले को सब डरते थे, अब तो कोई नहीं डरता। मेरे को ऐसा लगता है कि अब तो हमारी लाइब्रेरी में एक भी कोई बच्चा नहीं है जो एक भी सवाल पूछे रह नहीं सकता, क्योंकि हर दिन हर समय एक सवाल भी है, ये क्या है, तो मेरे पूछते रहते हैं, मैम ये क्या है, सर ये क्या है। वो अब शर्माते नहीं हैं और डरते नहीं। लोग जाने, वो पहचाने की लाइब्रेरी क्या चीज़ है।